नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस वक्त की हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। दिल्ली के सुभाष मैदान परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की शिरकत। कहा, देश के समग्र विकास के लिए सामाजिक कुरीतियों का खात्मा जरूरी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हुए शामिल। लोगों की भावनाओं में सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करता है दशहरे का उत्सव। द्वारका में रावण वध कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। लोगों से राष्ट्रहित में सामाजिक भलाई से जुड़ा संकल्प लेने का किया आह्वान। विजयादशमी के मौके पर भारत को मिला पहला राफेल विमान। फ्रांस के मैरिग्निक में आयोजित समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारतीय सेना के लिए बताया ऐतिहासिक पल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान। कॉस्मोलॉजी में विशेष अनुसंधान के लिए जेम्स पीबल समेत माइकल मेयर और दिदियर केविलोज को किया जाएगा सम्मानित। रिसर्च से ब्रह्मांड से जुड़े राज समझने में मदद। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची एमसी मैरीकॉम। प्री क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की टमास जितपांग को 5-0 से दी मात। सातवीं बार विश्व चैंपियन बनने से 3 कदम दूर। विजयादशमी और वायुसेना दिवस पर भारत को आज पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ्रांस के मैरिग्निक एयरबेस पर पहला राफेल फाइटर जेट सौंपा गया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राफेल से उड़ान भरेंगे। हेडिंग ओवर सेरेमनी में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और दसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपिये मौजूद थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल एयरक्राफ्ट से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे फ्रांस से हम आपको दिखा रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल से उड़ान भरेंगे। आपको बता दें, इस दौरान रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि फ्रांस सभी 36 राफेल और वेपन सिस्टम की डिलीवरी समय सीमा के अंदर ही करेगा। उन्होंने फ्रांस के भारत के साथ सुरक्षा और दूसरे मामलों में सहयोग के लिए आभार भी जताया। तो तस्वीरें सीधी फ्रांस से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। राफेल में कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री खुद उड़ान भरेंगे और बेहद ऐतिहासिक दिन है आज देश के लिए। विजयादशमी का पर्व और वायुसेना का स्थापना दिवस। फिलहाल दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हम इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पे पहुंच रही है, फ्रांस से लाइव तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये सेरेमनी हुई। खुद रक्षा मंत्री वहां पहुंचे, मुलाकात हुई और राफेल में अब उड़ान भरने की तैयारी फिलहाल आप देख पा रहे हैं पहली तस्वीर के तौर पर। आपको बता दें, इससे पहले राजनाथ सिंह ने एयरबेस पर ही राफेल में लगे हथियारों की पूजा की। इसके बाद उन्होंने राफेल विमान में उड़ान भी भरी। राफेल विमान 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। ये युद्ध के समय हवाई हमला, जमीनी कार्रवाई या दूर से दुश्मन पर सटीक निशाना साधने में भी सक्षम है। इसमें मिच्योर और स्काल्प मिसाइलें तैनात हैं जो हवा से हवा में मार करने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। तो सीधी तस्वीरें फिलहाल फ्रांस से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी निर्धारित समय से हो रही है और यह विमान हमारी वायुसेना की शक्ति में वृद्धि लाएगा। हमारा फोकस वायुसेना को समृद्ध करने
और उसकी क्षमता को बढ़ाने पर है। एक्सलेंसी मिनिस्टर, हमें विश्वास है कि फ्रांस द्वारा सभी 36 रफाइल एयरक्राफ्ट और संबंधित इक्विपमेंट्स व वेपन सिस्टम्स की डिलीवरी टाइमलाइंस को पूरा किया जाएगा। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारत की वायुसेना के अनेक अधिकारी और एयरमैन फ्रांस में फ्लाइंग, मेंटेनेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स आदि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ फ्रेंच फैसिलिटीज में उनके प्रशिक्षण से उनको भारत में उनके काम के लिए अपेक्षित ज्ञान और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हासिल करने में भी मदद मिलेगी। आज का दिन इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया माइलस्टोन है और वास्तव में बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन में नई ऊंचाइयों को छूता है। ऐसी उपलब्धियां हमें और बहुत कुछ करने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। फ्रांस के सहयोग का शुक्रगुजार हूं, जो न सिर्फ रक्षा अपितु अन्य मामलों में भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि विश्व की दो मुख्य एवं बड़ी लोकतंत्र के बीच मजबूत सहयोग बढ़ता रहेगा और वह विश्व की शांति, समृद्धि और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्थापित करने में भी मददगार साबित होगा। It is only the best of French technology, the best that France can offer India. It's certainly also the power of the industrial power that India can have to develop its technological presence and its competencies. France, more than any other country, certainly understands the need for that. We are fully committed with the Make in India initiative and in the presence of Indian suppliers in the worldwide supply chain. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस की वायुसेना के फाइटर प्लेन में सवार होकर राफेल विमान की फैक्ट्री में पहुंचे। ये हम आपको बता रहे हैं, जब रक्षा मंत्री वहां पहुंचे थे उन्होंने फैक्ट्री का जायजा लिया और राफेल विमानों के निर्माण कार्य को देखा। राफेल विमानों का निर्माण फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी करती है। और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रक्षा और रणनीति सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की, साथ ही आपसी रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर जोर दिया। रक्षा मंत्रालय ने गर्मजोशी के बीच हुई इस बातचीत को काफी उत्पादक बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन करते हुए रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की बात भी की। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पे पहली तस्वीर के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही पलों में रक्षा मंत्री इस पहले राफेल से, जो कि भारत को मिला है आज, उससे उड़ान भरने जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर के तौर पे हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री ने राफेल की पूजा अर्चना की। तो आज वायुसेना का स्थापना दिवस भी है, विजयदशमी का मौका भी है और ऐसे में कह सकते हैं ये ऐतिहासिक क्षण है पूरे देश के लिए। और पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है, अब ये वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको जब राफेल की पूजा अर्चना की, रक्षा मंत्री ने उन्हें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो आज का दिन बेहद खास और ये उम्मीद भी जताई रक्षा मंत्री ने कि जो बाकी राफेल हैं या दूसरे वेपन्स हैं उनकी डिलीवरी भी समय पर फ्रांस की तरफ से की जाएगी। तो भारतीय वायुसेना की शक्ति को आज राफेल मिलने के बाद हम कह सकते हैं बड़े स्वरूप में हम देख सकते हैं, उस ताकत में इजाफे को हम महसूस कर सकते हैं। और इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट सबसे पहले हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं
विजयदशमी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन में दशहरा कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रपति ने रामलीला का मंचन भी देखा। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो देशभर में आज धूमधाम से विजयादशमी मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के सुभाष पार्क परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जब हम रावण का दहन कर रहे हैं तो हमें अपनी बुराइयों और कुरीतियों का भी दहन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के युग में विश्व शांति और प्रगति के सामने खड़ी हो रही चुनौतियों के सामने रामायण का संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक है। I extend my warm greetings and good wishes to the people of the country on this auspicious occasion of Dasara, a colorful festival celebrated with great fervor and zeal all over the country. As per Hindu beliefs, today is the day when Lord Rama returned to his kingdom Ayodhya after defeating the demon King Ravana. It is also believed that this is the day when Goddess Durga rid the world of demon Mahishasura. Whichever epic you choose to believe in, it is clear that Dashara symbolizes the victory of good over evil or righteousness and virtue over sinfulness. Yeh parv hame यह स्मरण करता है कि हम सदैव सत्य और सदाचार के मार्ग का निष्ठापूर्वक अनुसरण करें। आज जब हम रावण का दहन कर रहे हैं तब हम अपने अंदर के बुराइयों और कुरीतियों का भी दहन करें। रामायण का महाकाव्य हमें विश्व समाज परिवार के प्रति हमारा कर्तव्यों का स्मरण करता है। रामायण में मनुष्यों के बीच परस्पर संबंधों की मर्यादा को निर्धारित किया गया है। धरती प्राकृतिक परिवेश जीव जंतुओं का साथ मनुष्य को संबंध को परिभाषित किया गया है। आज के युग में विश्व शांति और प्रगति के सामने खड़ी हो रहे चुनौतियों को संदर्भ में रामायण का संदेश आज और भी अधिक प्रासंगिक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में रावण के 107 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया और देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सव भारत के सामाजिक जीवन की पहचान है। उत्सव हमें जोड़ते हैं, हमें मोड़ते हैं। उत्सव नई संचार शक्ति पैदा करते हैं। देश में उत्सव ही संस्कार, शिक्षा और सामूहिक जीवन का प्रशिक्षण देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय परंपरा में रोबोट नहीं इंसान पैदा होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का पर्व, विजय का पर्व, लेकिन समय रहते हुए हमने हर पल हमारे भीतर की आसुरी शक्ति को परास्त करना भी उतना ही जरूरी होता है। और तभी जाकर के हम राम की अनुभूति कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु राम की अनुभूति करने के लिए हमने भी अपने जीवन में विजयश्री पाने के लिए डगर डगर पर विजयश्री पाने के संकल्प के साथ हमारी भीतर की ऊर्जा, भीतर की शक्ति को सामर्थ्य देते हुए हमारे भीतर की कमियां, भीतर की वीकनेसेस, भीतर की आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना ही हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है। आज विजयादशमी के पर्व पर और जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब सभी देशवासी संकल्प करें हम देश की भलाई के लिए
एक संकल्प इस वर्ष में पूर्ण करके रहेंगे, जिससे किसी न किसी के द्वारा देश की भलाई का काम हो। अगर मैं पानी बचाता हूं वो भी एक संकल्प हो सकता है, मैं कभी खाना खाता हूं जूठा नहीं छोड़ूंगा ये भी संकल्प हो सकता है, मैं बिजली बचाऊं ये भी संकल्प हो सकता है, मैं कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना दूंगा ये भी संकल्प हो सकता है। हम ऐसा कोई संकल्प और विजयादशमी के पर्व पर संकल्प लेकर के महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हो, गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, ऐसा पवित्र अवसर, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। इस संयोग का उपयोग करते हुए, उसी में से प्रेरणा पाते हुए हम भी कोई न कोई संकल्प करें अपने जीवन में और विजयश्री प्राप्त करके रहेंगे ये भी हम तय करें। सामूहिकता की शक्ति कितनी होती है। और अब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया घनश्याम। चुनावी रण 2019 में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं हरियाणा में भी तमाम राजनीतिक दल चुनाव अभियान में जी जान से जुट गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको दोनों राज्यों की चुनावी सरगर्मियां। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज बीड जिले के सावरगांव पहुंचे। अमित शाह दशहरा उत्सव में शामिल हुए, उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम किया गया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कई विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग का गठन किया जो पिछले 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर सकी। 70 साल से ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम जो सरकारें आई वो नहीं करती थी, आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी ने वंचित समाज को, ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया और ओबीसी समाज के लिए एक संवैधानिक आयोग की रचना का काम किया। विधानसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र का पश्चिमी इलाका सबसे बड़ा है। सरकार गठन में विदर्भ के साथ साथ इस क्षेत्र के चुनाव नतीजे भी काफी अहमियत रखते हैं। चुनाव दर चुनाव यहां राजनीतिक दलों के ग्राफ में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा 70 सीटें पश्चिम महाराष्ट्र से ही आती हैं। इसलिए चुनाव नतीजों में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इस मामले में पश्चिम महाराष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के 6 जिले आते हैं, जिनमें पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, सतारा और सांगली शामिल हैं। इन 6 जिलों में पड़ने वाली 70 सीटों में 8 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वैसे तो पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में सामने आई तस्वीर कांग्रेस एनसीपी की उम्मीदों से अलग रही। चुनाव नतीजों पर नजर डालें
तो यहां बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को 2 गुने से ऊपर पहुंचा दिया। बीजेपी को पश्चिम महाराष्ट्र में कुल 24 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2009 में बीजेपी के खाते में इस इलाके की 11 सीटें आई थी। वहीं शिवसेना ने भी अपनी सीटों में बढ़त बनाई। 2014 में शिवसेना को इस इलाके में 13 सीटें मिली, जबकि 2009 में यह आंकड़ा 9 सीटों का था। वहीं कांग्रेस को पिछले चुनाव में पश्चिम महाराष्ट्र से 10 सीटें ही हाथ लगी, जबकि 2009 में कांग्रेस ने इस इलाके में 13 सीटें जीती थी, यानी 3 सीटों का नुकसान। वहीं एनसीपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ। 2014 में एनसीपी ने पश्चिम महाराष्ट्र में 19 सीटें जीती, जबकि इससे पहले एनसीपी के पास पश्चिम महाराष्ट्र में 25 सीटें थी। अन्य दलों के खाते में 4 सीटें गईं। नतीजों से साफ है कि पश्चिम महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी को एक तरफा वोट नहीं पड़े, लेकिन बीजेपी ने 2009 के मुकाबले 2014 में यहां अपनी स्थिति काफी मजबूत की। इस तरह के चुनाव परिणाम तब आए जब 2014 में ये चारों दल अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार इन दलों के बीच एक बार फिर गठबंधन का मुकाबला है। और पिछले 5 साल में फडणवीस सरकार के नेतृत्व में बीजेपी शिवसेना ने अपनी पहुंच बढ़ाई है, जबकि कांग्रेस एनसीपी अभी भी लोकसभा चुनाव के निराश प्रदर्शन से उबरने की कोशिश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पंचकुला से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन ने पार्टी नेताओं में किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। साथ ही चंद्रमोहन का ये भी मानना है कि चुनाव में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत का फायदा मिलेगा। चंद्रमोहन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रविन्द्र सिंह श्योराण ने। सर, चौधरी भजनलाल की एक लंबी राजनीतिक पारी रही, करीब 13 बरस वो सूबे के सीएम रहे और वो शायद ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो कि सब जातियों को साथ लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री उनका माना गया। आपको लगता है कि उनकी जो राजनीतिक विरासत थी उसका लाभ आप लोगों को यहां पर मिलेगा? देखिए, चौधरी भजनलाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम आज जो कुछ भी हैं उनके सिखाए हुए रास्ते पे उनके दिव्य संस्कारों की वजह से ही हैं। निश्चित रूप से लाभ तो हमें मिलेगा ही, उनका कांग्रेस पार्टी को भी लाभ मिला है, उनका कांग्रेस पार्टी का लाभ भी हमें मिलेगा। इसके अलावा आदमी का खुद का व्यवहार क्या है पब्लिक के साथ और उसने क्या काम किए हैं, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। आपके बारे में चंद्रमोहन जी हमेशा तारीफें सुनते रहते हैं कि चंद्रमोहन जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और लोगों के काम जो भी उनके पास लेके जाता है वो करते हैं, तो सर क्यों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा जबकि आप लोग लगातार कैंपेन कर रहे थे भव्य बिश्नोई के लिए भी, तो क्या कारण आपको लगते हैं? ये कारण तो कई हो हैं इसके, लेकिन बेसिकली विधानसभा और लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये जरूरी नहीं कि आप तब हार गए, तो आज अगर बारिश हुई तो कल भी बारिश ही होगी। आप देखेंगे कि आने वाले 24 तारीख को चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस मिनिमम 65 सीट जीत कर निकलेगी। लेकिन सर इन फाइटिंग बहुत है एक दूसरे के साथ, अशोक तंवर ने खुल के बोला कितनी बातें कि टिकटों का बंटवारा इस तरीके से हुआ है कि बेची गई है। कांग्रेस एक समुन्दर है, बहुत बड़ा परिवार है, पारिवारिक मतभेद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अब कोई ऐसा मतभेद नहीं है और ये बात बिल्कुल सच्चाई से कोसों दूर है कि कोई टिकट बेची गई है। ऑन मेरिट जिसको पब्लिक चाहती है उसको कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया है, ठीक है, जिसकी टिकट कटती है उसको तकलीफ तो होती है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरे सहयोगी घनश्याम के पास। शुक्रिया अभिलाषा। अभिनेता आर माधवन ने आज अपने बेटे वेदांत के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वेदांत ने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एशियाई आयु समूह चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उपराष्ट्रपति ने वेदांत और उनकी टीम के सदस्यों उत्कर्ष पाटिल, साहिल लस्कर और शॉन गांगुली को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने फिल्मों, समाज सेवा, संस्कृति और राष्ट्र को बढ़ावा देने और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी
बातचीत की। साल 2019 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो चुकी है। आज भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार का ऐलान किया गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और दिदियर केविलोज को संयुक्त रूप से पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन वैज्ञानिकों का चुनाव ब्रह्मांड के विकास और ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान की समझ को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए किया गया है। भौतिक विज्ञान में ब्रह्मांड से जुड़ी सैद्धांतिक खोजों के लिए जेम्स पीबल्स को ये पुरस्कार मिलेगा। वहीं मिशेल मेयर और दिदियर केविलोज को संयुक्त रूप से सौर मंडल के बाहर एक ग्रह की खोज के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। भारत की स्टार महिला मुक्केबाज और 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे विशेष में देखिए हमारा खास कार्यक्रम विजयादशमी।